कैसे हैं आप लोग? और वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हमारे घर में ही आई है कार भी, ये है होंडा WRV, होंडा वाले की WRV हाईटेक कार जो है, इसी का हम रिव्यू करेंगे। ये मेरे जीजू ने ली है, तो पहले मैं आपको इसका अच्छे से प्रॉपर लुक करवा देता हूँ। फिर जीजू से पूछेंगे इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, क्या माइलेज निकालती है गाड़ी, फैमिली के साथ कैसा लोड लेके मैं लगे, जैसे आप हिली एरियाज पे ज़्यादा जाते हैं ये, तो क्या लोड लेती है वो गाड़ी या नहीं लेती है, तो वो हम एक बार ही आपको दिखाते हैं। ठीक है, living life every day late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try. जीजू से पूछते हैं, जीजू ने गाड़ी ली थी होंडा WRV, तो जीजू अब ये कब कौन सी ईयर में ली थी हमने कार? ये ली थी मैंने अक्टूबर 2022 में, 2022 का है ये। वर्जन कौन सा है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? मैनुअल। और ये पेट्रोल है ना? पेट्रोल। हाँ, सो इसका आप थोड़ा सा बताओ क्या क्या आपको, आप जैसे हिल एरियाज पे ज़्यादा जाते हो है ना, तो ये क्या माइलेज निकाल लेती है और सिटी में क्या निकालती है? अराउंड 20-22 देती है हाईवे पे, और सिटी में देती है 13-14 के करीब माइलेज निकाल देती है। और क्या क्या फीचर्स हैं इस गाड़ी के? फीचर्स हैं, टच स्टार्ट है, ये यहाँ पे है टच स्टार्ट है इसमें एक फीचर। कैमरे की क्लैरिटी आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया आ रही है यहाँ पे। ये तीन तरह की विजिबिलिटी देते हैं ना आपको, कौन कौन सी है? ये सराउंडिंग हो गया, ये बिल्कुल नीचे के लिए, जैसे आप माउंटेन में जा रहे हो तो अच्छे से इसमें लगा के आप अच्छे से निकाल सकते हैं। और ऑटो क्लाइमेट मोड के साथ ही आता है, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा है कि इसमें ना सनरूफ भी है, ये देखिए सनरूफ है, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक कार है ये, और सनरूफ में भी स्पेस अच्छा है, सनरूफ में भी स्पेस अच्छा है, मतलब कि आराम से निकल सकते हैं। मैं तो बहुत बारी जा चुका हूँ, बड़े भी निकल सकते हैं। और इसमें आर्मरेस्ट ऑलरेडी है, ये देखिए। सीट कवर अभी चीज़ों ने लगवाई नहीं है इसमें, तो जब भी हम लगवाएंगे तब आपको वो भी दिखाएंगे। और बाकी अब फैमिली के साथ जैसे आप जाते हो हिल एरियाज में, तो कोई लोड महसूस होता है कि गाड़ी लोड ले रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको कितना रेट, और जब ये गाड़ी आप ले रहे थे तो हमने इसके साथ और भी कोई गाड़ी देखी थी? उसके साथ देखी थी हमने ब्रीज़ा। अच्छा, ब्रीज़ा में क्या है, इसमें ब्रीज़ा में क्या फ़र्क है कि ब्रीज़ा का जो हैंडल है, मतलब ये जो गेट होता है, बिल्कुल हल्का है इसके। अच्छा, इसके में जान है, जान है, हैवी है, हैवी है। अच्छा, इसका डैशबोर्ड भी जो है ये देखिए डैशबोर्ड तो इसका हैवी है। और इंटीरियर को जिस तरह से देखिए, कितना बढ़िया इंटीरियर लगता है। आई थिंक इस ये मेरे ख्याल से ये अब WRV यानी शायद बंद हो गई है, अब उसकी जगह उन्होंने कुछ नई निकाली है ना। सो गाइस, ये इसका कुछ MID डिस्प्ले है, इसमें आपको सब दिख जाएगा, देखिए। और ये कितने किलोमीटर चला चुके हो? 23,000 सही है। और माइलेज हमने आपको बताई दी है, रिव्यू आपका करी थी, बहुत अच्छी है। और इसमें ये 7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है ना ये। और बाकी AC वेंट्स इसके यहाँ पे हैं, पार्किंग सेंसर यहाँ पे है। और क्या क्या कोई फीचर है आपको अच्छा लगा इसके बारे में? बस यही है, बाकी चलने में स्मूथ है, चलने में स्मूथ है, ठीक है। तो गाइस, ये इसी गाड़ी का छोटा सा रिव्यू मैं लेके आया हूँ, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है कार, मतलब कि, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीट एडजस्टमेंट के साथ आती है कार, आपको मार्केट से अलग से लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो सीट एडजस्टमेंट के साथ आती है, तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा इस गाड़ी का। तो आई पर मतलब कि अगर ये गाड़ी आ रही होती तो प्रेफर कि मैं ये भी शॉर्टलिस्ट कर सकता था अपने, मतलब कि अपनी जो गाड़ी मैंने ली है फ्रॉन्क्स, उसकी जगह मैं भी प्रेफर कर सकता अगर ये मार्केट में भी आ रही होती तो। और सबसे चाबी आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं, और अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है इंजन स्टार्ट। और इसका ऑन रोड आपको कितना प्राइस पड़ा, कितने में आई है? 2 साल हो गए, अराउंड 13 के आसपास ली थी। 13 के आसपास ली थी, तो ऑन रोड इसकी जिनको प्राइस पड़ी थी, जो को 13 के आसपास पड़ी है। तो इस गाड़ी का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।